नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 29 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे से वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके चुनावों में ईवीएम का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल चुनाव, अमित शाह का दावा 30 में से 26 सीट जीतेगी बीजेपी, सीएम ममता बोली ईवीएम में घुसे होके। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 सीटों में से 26 पर भाजपा के जीतने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर यहां पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है, और यहां पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूछा है कि क्या अमित शाह ईवीएम में घुसे हो, आपने यह क्यों नहीं कहा कि भाजपा सभी 30 सीटें जीतेगी, 2 मई का इंतजार करें, टीएमसी जीतेगी, बाहरी बंगाल पर राज नहीं कर सकते हैं। यह यहां पर दो टू कहना है सीएम ममता बनर्जी का। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, होलिका दहन पर किसानों ने जलाई हैं कृषि कानूनों की प्रतियां, राकेश टिकैत बोले आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने होलिका दहन के मौके पर किसान कानूनों की यहां पर प्रतियां जलाई हैं। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि हम एमएसपी की बात यहां पर कर रहे हैं, हम पूरे देश में जाकर के किसानों को संगठित कर रहे हैं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं किसानों की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना, कहा हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर कोई साथ में रहता है, अब अल्पसंख्यकों के वोटों को साझा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद टीम से सावधान रहना है, हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आया है, बाहरी लोगों का समर्थन किसी भी कीमत पर ना करें, वे आपके घर पर कब्जा करेंगे। आप लोगों को आगे बताते चले, एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी को बंगाल में एनपीआर और एनआरसी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों की बंगाल में सरकार नहीं बनने देनी है। उन्होंने लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की भी अपील की है। ये यहां पर सीएम ममता बनर्जी ने ओवैसी और बीजेपी को एक साथ लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, चुनाव आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 से 18 पैसे की कटौती, राहुल गांधी का तंज, इतने पैसे की बजट से क्या क्या करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, इस वजह से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं लगातार। इस बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है तो सरकार की नींद खुल गई है और अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो गई हैं। इससे पहले हर रोज लगातार मूल्य वृद्धि हो रही थी, एक समय ऐसा भी आया जब देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया था। स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली कमी आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आई कमी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। चुनाव के कारण केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 से 18 पैसे प्रति लीटर कटौती की है। इस मामूली कमी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने पूछा है कि बचत की इस धनराशि से आप क्या क्या करेंगे। ये यहां पर तंज कसा है राहुल गांधी ने और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, नंदीग्राम, जहां लगी थी चोट वहीं अमित शाह पर गर्जी है ममता बनर्जी, बोली खेला अब अच्छे से होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनावी प्रचार करने पहुंची, यहां पर उन्होंने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता पर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि बाप बेटे की मदद के बिना नंदीग्राम आंदोलन के दौरान पुलिस नहीं घुस पाती। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि
ममता बनर्जी ने बेहद ही कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि बाहर से गुंडे ला रहे हैं भाजपा वाले, बिहार और यूपी से गुंडे ला रहे हो, हिंदू और मुसलमान कर रही हो, कुछ दिन पहले तक तो तुम भी टोपी पहन कर के घूमते थे, अब गिरुआ हो गए हो। ये यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का जोरदार हमला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी साहब के पैर छूते हैं, ये देखकर मुझे बुरा लगता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर हैं। यहां पर राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी साहब के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो उन्हें देख करके मुझे बुरा लगता है। राहुल गांधी ने रैली में कहा है कि मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू कर रहे हैं और उन्हें चुपचाप अपने पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। राहुल गांधी ने रैली में कहा है कि मैंने एक तस्वीर देखी थी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस तरह का रिश्ता सिर्फ बीजेपी पार्टी में ही संभव है, जहां आपको पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूने होते हैं, उनको यहां पर देख सकते हैं निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने झुकना ही पड़ता है। और इस दौरान सीएम पलानी स्वामी को भी लिया है निशाने पर और कहा है कि अपने भ्रष्टाचार के चलते शाह के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं मुख्यमंत्री। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी विधायक के साथ मारपीट में हमारे लोग नहीं, राकेश टिकैत ने घटना को बताया है बीजेपी की बड़ी साजिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के मुक्तसर में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट की यहां पर घटना हुई। इस घटना में गुस्साए किसानों ने बीजेपी विधायक के साथ मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए थे। अब इस घटना पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है। टिकैत ने कहा है कि इसमें उनके लोग शामिल नहीं थे, किसान नेता ने इसे किसानों को बदनाम करने की सरकार की चाल बताया है और कहा है कि बीजेपी ऐसी हरकतें कर रही है और ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में अमित शाह का माइंड गेम नहीं चलेगा, खेला होबे, ये यहां पर कहना है टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने करारा हमला बोला है, जिसमें शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़े अंतर से जीतेगी और 200 सीट हासिल करेगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी का माइंड गेम काम नहीं करेगा। शाह के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्रायन ने ट्वीट किया है, माइंड गेम खेलने से कुछ नहीं होगा शाह, आप अपनी सीटों की भविष्यवाणी गुजरात जिमखाना में करें, यह बंगाल है, खेला होबे। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी पहले चरण के चुनाव में बढ़त बनाएगी और देख सकते हैं ये यहां पर डेरेक ओब्रायन ने लिया है अमित शाह को निशाने पर। अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, टीएमसी का चुनाव आयोग को पत्र, चुनावी एजेंट के संबंध में पुराना नियम लागू करने की अपील। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर के उससे हाल के उस आदेश को वापस लेने की अपील की है, जिसमें चुनाव एजेंट नियुक्त करने के नियम में ढील दे दी गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आयोग ने भाजपा की मदद करने के लिए यह कदम उठाया है। मार्च 2009 में निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दी थी कि उम्मीदवारों के द्वारा जो चुनाव एजेंट नियुक्त किए जाते हैं वे उसी मतदान केंद्र या उसी निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस के मतदान केंद्रों के मतदाता होंगे, लेकिन हाल ही में इस प्रावधान में बदलाव किया गया है और विधानसभा क्षेत्र के किसी भी हिस्से से संबंध रखने वाले मतदाता को चुनाव एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, ताकि भाजपा को मदद मिल सके। और ये यहाँ पर मदद के लिए गुहार भी लगाई है भाजपा ने चुनाव आयोग से, ये यहाँ पर आरोप भी लगाया है टीएमसी ने। तो वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शरद पवार प्रफुल्ल पटेल की अमित शाह से मुलाकात की खबरों को नवाब मलिक ने नकारा, कहा कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कथित मुलाकात की खबरों को एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सोशल मीडिया
यहां पर अफवाह फैला रहा है, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर से सीधे मुंबई आए। नवाब मलिक ने गुप्त मुलाकात की कथित खबर पर कहा है कि गुजरात के एक अखबार ने खबर छापी है कि पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की है, लेकिन ये अफवाहें हैं जो कि बीजेपी के द्वारा उड़ाई गई हैं। ये यहां पर कहना है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को प्रतिबंधों के लिए तैयार रहने को कहा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में उद्धव ठाकरे ने निर्देश दे दिए हैं कि अगर लोग कोविड से संबंधित नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं तो लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार के सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध यहां पर लगाने की घोषणा कर दी है। और वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को प्रतिबंधों के लिए तैयार रहने को कहा है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएन वीडीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।